हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच की एक नई वीडियो के साथ। आज हम 6 to 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि आपके प्री प्लस मेंस में भी एज वेल एज काम आएंगे, जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक, वैज्ञानिक, खेल और जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, संक्षिप्तियाँ, स्पोर्ट्स में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है 6 to 9 अक्टूबर की, सब कुछ आज हम देखेंगे, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी। पिछली वीडियो की रिवीजन टेस्ट के तौर पर 2 क्वेश्चन आज आपके सामने मैं लेकर आई हूं, जिसका जवाब आप लोगों को करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेगा। आप लोग अपने कमेंट में इनका जवाब दीजिएगा, इन 2 क्वेश्चनों का। और आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसने सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दिया कमेंट में, उनके नाम हम हाईलाइट करेंगे, सबसे पहले पे फ्रंट पेज पे आप लोगों के नाम हम देंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आगे के करंट अफेयर, जो कि 6 to 9 अक्टूबर है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और आप इसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें October 1 to 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आज का सवाल है, अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम डी नॉर्थहॉस के साथ किसे वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 8 अक्टूबर 2018 को की गई है। तो 2 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एक विलियम डी नॉर्थहॉस को और दूसरा पॉल एम रोम को। तो इन दोनों को अर्थशास्त्र का 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। 28 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है UPPCS प्री का, उसमें ये क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना बनती है। इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं। इस पुरस्कार को आधिकारिक रूप से स्वेरिजिस रिस्क बैंक इन इकोनॉमिक साइंसेस के नाम से भी जाना जाता है। स्वेरिजिस रिस्क बैंक इन इकोनॉमिक साइंसेज भी इसे कहते हैं, तथा यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित नोबेल पुरस्कारों में बाद में जोड़ा गया था। इन 2 वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन और सतत विकास नीतियों में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। येल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री विलियम नॉर्थहॉस ने पिछले 4 दशक में दुनिया भर के सरकारों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझाने में समय व्यतीत किया है, तथा सरकारों को इसे रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाने का सुझाव भी दिया है। इसी कारण इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने सफलतापूर्वक ये सिद्ध किया कि सरकारी नीतियां तकनीकी नवाचार तथा सतत विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस कारण से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागालैंड के गांधी के उपनाम से प्रसिद्ध नटवर ठक्कर का निधन कब हुआ? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नटवर ठक्कर, जिन्हें नागालैंड का गांधी भी कहा जाता है, इनका निधन हुआ 6 अक्टूबर 2018 को। इनके बारे में हम डिटेल्स जान लेते हैं। वे मूलतः महाराष्ट्र के थे, लेकिन 1955 में नागालैंड आने के बाद वहीं के बन के रह गए, वहीं बस गए वो। उन्होंने राज्य के चुचुइमलांग नामक स्थान पर नागालैंड गांधी आश्रम की स्थापना की। एक और क्वेश्चन बन सकता है, नागालैंड गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो नटवर ठक्कर ने की, तथा उन्हें देश के 4th सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नागालैंड में गांधीवादी विचारधारा तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नागालैंड का गांधी के उपनाम से उपनाम दिया गया था, और जब उनका निधन हुआ तो वह 86 ईयर्स के थे। तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में कितने साल में उनका देहांत हुआ तो वो भी पूछ लेते हैं, तो 86 ईयर्स के वो थे जब उनका देहांत हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 अक्टूबर 2018 को भारत और किसके मध्य एक अंतर सरकारी समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को S-400 ट्रायम्फ विश्व प्रसिद्ध विमान रोधी प्रक्षेपात्र प्रणाली हासिल होगी? तो किसके मध्य हुआ? भारत और रूस के मध्य। S-400 ट्रायम्फ रूस में निर्मित एक अत्याधुनिक विमान रोधी प्रणाली है।
ऐसी 5 प्रणालियों को हासिल करने के लिए भारत ने रूस के साथ अंतर सरकारी समझौता कब किया? 5 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में किया। इस समझौते का कुल मूल्य 5.43 अरब डॉलर है। जमीन से सक्रिय की जाने वाली इस विमान रोधी प्रक्षेपात्र प्रणाली के मिलने से भारतीय सशस्त्र सेनाओं को जहां चीन से बराबरी हासिल होगी, वहीं ऐसी सुरक्षा प्रणालियों के मामले में पाकिस्तान के मुकाबले भारत को बढ़त हो जाएगी। इससे भारत रक्षा मामले में काफ़ी सशक्त हो जाएगा। S-400 ट्रायम्फ प्रणाली लगभग सभी प्रकार के लड़ाकू विमानों की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा ये समझौता हुआ है भारत और रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 को किसने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रदोष कुमार। इनका नाम है प्रदोष कुमार। इसकी डिस्क्रिप्शन हम जान लेते हैं। पहचान, इसमें थोड़ा सा सही नहीं है प्रिंट। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उद्यम है। ये किसके अधीन है? इस्पात मंत्रालय के। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में हुई थी। यह देश के समुद्र तट पर अवस्थित पहला इस्पात संयंत्र है। कौन सा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। इसे पहले विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भी कहा जाता था इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भू संपदा अपील अधिकरण का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इनके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल। इसके बारे में डिटेल्स हम जान लेते हैं। 22 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भू संपदा अपील अधिकरण का गठन किया। ये उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 28 अक्टूबर को होने वाला है। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, इसे यूपी रेरा भी कहते हैं, कि अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए इस अधिकरण में अपील की जा सकती है। कौन से अधिकरण में? उत्तर प्रदेश भू संपदा अपील अधिकरण में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल के मध्य सीमा कार्य समूह की 5वीं बैठक कहां पर हुई? काठमांडू में। नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सर्वेक्षण महानिदेशक गणेश प्रसाद भट्ट द्वारा तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार द्वारा किया गया था। इस बैठक में दोनों पक्ष मानव रहित भूमि के अतिक्रमण और सीमा पार कब्जे के संबंध में मानचित्र को जारी करने में सहमत हुए। क्या काम हुआ इसमें? तो इसके बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में मैं हिस्ट्री बता दूं आपको। सीमा कार्य समूह, जिसे BWG भी कहा जाता है, वर्ष 2014 में भारत और नेपाल द्वारा गठित एक संयुक्त निकाय है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मानव रहित भूमि पर सीमा स्तंभों का निर्माण करना, पुनर्स्थापना करना, मरम्मत करना तथा अन्य तकनीकी कार्यों के लिए मंजूरी देना इसका कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। इसकी थीम है एक स्वच्छ हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन, ये इसकी थीम है 26 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने पुस्तक हिम नारी शक्ति पत्रिका एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लवलीन धर्मानी। ये कहाँ की पुस्तक है? तो ये हिमाचल प्रदेश की पुस्तक है, हिमाचल की। यह पुस्तक हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता अर्जित करने वाली महिलाओं पर आधारित है। और इसका जो विमोचन किया वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हिमाचल प्रदेश के PCS के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारसुगुड़ा
हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आजकल ये लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है इसके, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ये उड़ीसा में स्थित है। 19 सितंबर 2018 को नवनिर्मित झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करने से संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रखा गया है। क्या नाम रखा गया? वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। मेन क्वेश्चन ये है हमारे इस टॉपिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2018 को इस हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। वीर सुरेंद्र साई कौन थे, इनके बारे में हिस्ट्री बता देती हूँ। 1909 में जन्मे वीर सुरेंद्र साई ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध संबलपुर जिले में विद्रोह किया था इन्होंने और अपने प्राणों की आहुति दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में नए साइबर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? महाराष्ट्र में की जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो साइबर अपराध होते हैं वो महाराष्ट्र में होते हैं। इस साइबर विश्वविद्यालय में 3000 साइबर पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित पेशेवर ऑनलाइन अंतरिक्ष साइबर हमलों, इंटरनेट अपराधों और साइबर फॉरेंसिक से निपटने का कार्य करेंगे। इन पेशेवरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डाटा एनालिटिक्स और 15 अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कब प्रारंभ की? एक नई योजना सरकार द्वारा, ये कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई 18 सितंबर 2018 को। अब ये योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह योजना बेरोजगारी एवं नई नौकरी की खोज की स्थिति में उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किए जाने वाले नकदी के रूप में देय राहत है। ईएसआईसी ने कर्मचारी को प्रति व्यक्ति 10 रुपये की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ईएसआईसी ने बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर भुगतान किए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में बढ़ोतरी कर इसे वर्तमान में 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अंत्येष्टि संस्कार में जो व्यय होता है उसमें पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, इस बीमा के अंतर्गत अब उसमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नवम्बर 2018 तक IABA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका फुल फॉर्म है IABA, किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत में। ये कब तक होगी? ये 25 नवंबर 2018 तक होगी, 25 नवंबर। इससे पूर्व ये चैंपियनशिप भारत में कब आयोजित की गई थी? 2006 में की गई थी, अब ये 2018 में पुनः भारत में हो रही है। IABA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष है गफूर रहीमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम के स्वामित्व को खरीदने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मार्क बेनियोफ ने, और ये सौदा 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर में तय हुआ है। अब इसके बारे में टाइम पत्रिका की हिस्ट्री जान लेते हैं हम। टाइम पत्रिका की स्थापना हेनरी ल्यूस और ब्रिटन हेडन ने किया था, और इसका पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? मार्च 1923। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियामक के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया उड़ीसा राज्य में। ये नागरिकों को उनके आसपास और शहर में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कराने में सहायता प्रदान करेगा। इस प्रोग्राम को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। प्रमुख औद्योगिक संयंत्रों से वास्तविक समय में प्राप्त सतत निगरानी उत्सर्जन डेटा का उपयोग करने के लिए शुरू किया गया। ये भारत का पहला कार्यक्रम है, ऐसा इस तरह का पहला कार्यक्रम है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज हम अब आगे बढ़ते हैं अपने रिवीजन टेस्ट की तरफ। तो रिवीजन टेस्ट के आज के 2 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हाल ही में वर्ष 2018 के भौतिक के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जो कि मैं
लास्ट अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो ज़रूर देखें दोबारा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का नाम इस पुरस्कार में शामिल नहीं है, मतलब तीन वैज्ञानिकों को मिला है, इसमें से किसको नहीं मिला है? ओडी जैक्सन, ऑर्थर ऑस्किन, डोना स्टिकलैंड या मेरार्ड मोराउ। तो ये आप वीडियो अगर लास्ट वाली हमें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। और क्रिकेट के प्रेमियों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। हाल ही में समाप्त हुए एशिया क्रिकेट कप 2018 में प्लेयर ऑफ द सीरीज निम्नलिखित में से किसे चुना गया? शिखर धवन को, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या रविंद्र जडेजा? तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दीजिए। दिन जो दो लोग हमें सबसे पहले इसका आंसर देंगे उनके नाम हम अपने फ्रंट पेज पे शो करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना बांटेंगे आपके पास उतना ही और गेन होगा। तो आज मैं यही इजाज़त लेती हूँ आज की वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।